भिनगा पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए लोगों की सुनी जन शिकायतें, समस्याओं के निस्तारण का संबंधित को दिया निर्देश। उसी जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का मामला, जहां पर पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। उसी जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का मामला। पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिलौला पुलिस ने घोरमा परसिया से गिरफ्तार करने में पाई सफलता। सावस्ती जनपद के गिलौला इलाके का मामला, जहां पर पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त कादर अली पुत्र इदरीस निवासी घोरमा परसिया को गिलौला पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें, गिलौला पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आज उसे तिलकपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। घोरमा परसिया का यह अभियुक्त है जो पास्को एक्ट का वांछित था। सावस्ती पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आज इसे गिरफ्तार करने में गिलौला पुलिस ने सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला शक्ति टीम ने मल्हीपुर इलाके के जयलालपुरवा, गगनपुरवा, राघोपुरवा में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को किया जागरूक। सावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के दिशा निर्देश पर शक्ति मोबाइल द्वारा निर्देश पर पहुंचकर महिला टीम ने महिलाओं व बालिकाओं को मल्हीपुर इलाके के कई गांवों में पहुंचकर जागरूक किया। आपको बता दें, इस दौरान महिला आरक्षी संज्ञा भारती, महिला आरक्षी अर्चिता यादव व महिला आरक्षी सोनी मौजूद रही, जिन्होंने महिलाओं बालिकाओं को उनके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर इलाके के लक्ष्मणपुर कोठी के पास राप्ती नदी से निकली नहर में मछली मारते वक्त दो युवक डूबे, मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सावस्ती जनपद के मल्हीपुर इलाके के लक्ष्मणपुर कोठी के पास का मामला, जहां पर राप्ती नदी से निकले नहर में दो युवक मछली मार रहे थे, तभी वो अचानक डूब गए। जबकि उनके साथी ने जब उसे डूबते देखा तो वो बेहोश हो गया, जिसके बाद यहां पर कोहराम मच गया है। भिनगा इलाके के हरिहरपुर रानी ब्लॉक परिसर में किसान नेता दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई संपन्न। सावस्ती जनपद के भिनगा इलाके के हरिहरपुर रानी ब्लॉक परिसर का मामला, जहां पर किसान नेता दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में किसान यूनियन की मासिक पंचायत बैठक संपन्न हुई, जिसमें 5 बिंदुओं का ज्ञापन खंड प्रभारी को सौंपा गया, जिसमें जिम्मेदार भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें किसान नेता सोम शर्मा, जिलेदार मौर्य रविन्द्र वर्मा, रक्षा राम शेख, सनई प्रसाद चौधरी, रामकुमार यादव, कलावती मिश्रा आदि भारी संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में मासिक पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। सावस्ती जनपद के भिनगा इलाके के हरिहरपुर रानी ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत आयोजित की गई।